नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, भजनलाल सरकार यूसीसी पर बिल लेकर आएगी। विधायक कालीचरण के सवाल पर जवाब दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में जवाब दिया और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है और संपूर्ण विचार करके विधेयक लाया जाएगा, ये कहा गया है। क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई जारी है, ऐसे में जो बड़ी जानकारी विधानसभा से आ रही है वो ये है कि भजनलाल सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विधायक कालीचरण के द्वारा सवाल उठाया गया और सवाल का जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने, और जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, यानी कि रणनीति बनाई जा रही है, ऐसे में संपूर्ण विचार करके विधेयक लाया जाएगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण को लेकर के अब एक बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना है कि एससी/एसटी के आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। 7 जजों के बेंच ने बहुमत से अपना ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण को लेकर ये बड़ा फैसला दिया और बड़ा फैसला देते हुए कहा कि बहुमत से फैसला सुनाया गया है, एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग से कोटा दिया जा सकता है। और आगे ये भी कहा गया है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की पीठ ने माना है कि एससी/एसटी आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। यह अच्छी खबर है। 7 जजों के बेंच ने बहुमत से अपना यह फैसला सुनाया। और प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 11 जिलों में यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झुंझुनू, चूरू, सीकर, अजमेर, नागौर जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ ही मध्यम से तेज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तेज हवा चलने से कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। हालांकि मौसम की वजह से, तेज बारिश की वजह से कितने हादसे हो रहे हैं इसकी अपडेट आपको फर्स्ट इंडिया दे रहा है, लेकिन अभी ये बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहने वाला है क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा कई ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि ये वो जिले हैं जहां पर लोगों को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों के नाम एक बार आपको फिर से बता देते हैं, इसमें जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झुंझुनू, चूरू, सीकर, अजमेर, नागौर, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश काफी ज्यादा हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है, यानी कि इन जिलों के अंदर अगर आप रहते हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले सोचिए और जितना हो सके छोटे बच्चों को घर के अंदर रखिए, क्योंकि जिस तरह हादसे लगातार हो रहे हैं इसको लेकर भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा चुका है। तेज हवा चलने के साथ साथ कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में बारिश का ताजा आंकड़ा अब जारी हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश का आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश में 51 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा गंगापुर सिटी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, कोटपूतली, बहरोड और तिजारा में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। जयपुर ग्रामीण में 12 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है और मौसम विभाग के द्वारा भी इन जिलों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अभी और भी ज्यादा बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आप प्लेट के अंदर ये तस्वीर भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जल भराव हो गया है। जल भराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, ट्रेन लेट हो रही है, एयरपोर्ट पे पानी भर गया है, हादसे इस तरह से हो रहे हैं, बेसमेंट जहां पर है वहां पर जल भराव हो जा रहा है। और इसलिए जरूरत है कि आप जरूरत पड़ने पर ही अपने बच्चों को बाहर भेजिए और आप भी जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाइए, क्योंकि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई है और कई ऐसी रोड़े हैं जो कि टूटती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि
और ज्यादा बारिश हो सकती है। इसका मतलब है कि आप अभी से सतर्क हो जाइए। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान जो बारिश हुई है प्रदेश में 51 स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। इसमें जयपुर ग्रामीण में भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा गंगापुर सिटी में, करौली में, झुंझुनू में, सवाई माधोपुर में, सीकर में, टोंक में, कोटपुतली में, भैरोड़ और तिजारा में भी इसी तरह से भारी बारिश हुई है। जयपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो 12 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। और जयपुर के अंदर सीजन के रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। जयपुर में 225 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इस दौरान 20 स्थान पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है जबकि 20 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर इसी तरह से जारी है क्योंकि देखिए पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो जगह जगह पर रोड टूटी है, लोग फंस गए हैं, वाहन बंद पड़ गए हैं और जब बारिश कम होने के बाद भी जब आप रोडों से निकलेंगे तो आपको इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी क्योंकि जगह जगह वाहन खड़े हैं जो कि बारिश के दौरान बंद पड़ गए थे, उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि जयपुर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, लेकिन इस बार के सीजन के जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई वो जयपुर में ही दर्ज की गई है। 225 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे का हम आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं क्योंकि 24 घंटे के अंदर पिछले 20 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है, यानी बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है जबकि 20 स्थान राजधानी जयपुर के ऐसे है जहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है। जयपुर सहित प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी भी इसीलिए मौसम विभाग के द्वारा बार बार यह अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अभी और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और वे देखिए जयपुर में बम्पर बारिश पानी से थम गई, सहम गई है राजधानी। तेज बारिश से घर के बेसमेंट में फंसने से 3 लोगों की मौत हुई है। सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है और साथ ही बगरू इलाके में 12 वर्षीय बालक नाले में बह गया है। शहर में कागज की नाव की तरह तैरते नजर आई है कारें। यहां तक कि एयरपोर्ट जिसको कि सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, एयरपोर्ट की भी तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आई कि 1 फीट तक एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के पॉश इलाकों की बात की जाए तो पॉश इलाकों में भी 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट के बाद प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की, यानी कि एसएमएस अस्पताल में भी पानी रिसने लगा है। कई जगहों पर सड़क धंसने से वाहनों के फंसने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी बनी हुई है और ऐसे में कोड़ में काज, पानी की निकासी नहीं होने से बर्बादी की भयावह तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है। अजमेर रोड और सीकर रोड पर भी जल भराव का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा आज 9 जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि पिछले जो 24 घंटे में बारिश हुई है सिर्फ उसके अंदर ये तस्वीर देखने को मिली है। जो इलाके सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं, अब आप समझिए कि आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं लेकिन एयरपोर्ट पर भी, उस हाईटेक एयरपोर्ट में भी 1 फीट तक पानी जमा हो गया है। अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप अस्पताल का रुख करेंगे लेकिन अस्पताल के हाल भी फिलहाल खराब होते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल की भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली जहां पर एसएमएस अस्पताल में भी जल भराव की परेशानी हो रही है। कितने इक्विपमेंट्स वहां पर रखे रहते हैं, हजारों की तादाद में मरीज वहां पर पहुंचते हैं लेकिन अस्पतालों के हालात भी फिलहाल कुछ इसी तरह के बने हुए हैं और इसलिए मौसम विभाग द्वारा समय समय पर सचेत किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि अभी येलो अलर्ट कुछ जिलों में जारी किया गया है क्योंकि बारिश अब और भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर जलभराव की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। हालांकि राहत के लिए सिविल डिफेंस की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। देखिए बड़ी बात यह है कि तेज बारिश से घर के बेसमेंट में फंसने से 3 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि उनकी जान चली गई है। साथ ही अगर बगरू इलाके की बात की जाए तो बगरू इलाके में 12 वर्षीय बालक नाले में बह गया है। शहर में कागज की तरह नाव की तरह कारें तैरती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे इस जल भराव की। एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है। जयपुर के कई पॉश इलाके हैं जहां पर 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। अस्पतालों में पानी भर गया है।
जयपुर में भारी बारिश और बीजेपी नेताओं की चिंता। 3 अगस्त को होना है मदन राठौड़ का पदभार ग्रहण कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण समारोह होगा और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर होना है समारोह। मदन राठौड़ के पदभार के बाद सभा का कार्यक्रम भी होगा। बीजेपी मैनेजमेंट ने की है वाटरप्रूफ शमियाने की व्यवस्था, जिससे बारिश के कारण भी कार्यक्रम में अवरोध पैदा ना हो। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मंत्री परिषद सदस्य, विधायक समेत प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 3 अगस्त को बीजेपी मुख्यालय पर रहेगा वीआईपी मूवमेंट। ऐसे में बीजेपी की टीम तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से राजधानी जयपुर के अंदर बारिश का लगातार आना जारी है, यानी कि झमाझम बारिश लगातार हो रही है, जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, ऐसे में इतना बड़ा कार्यक्रम आखिर होगा कैसे? और इसलिए हम कह रहे हैं जयपुर में भारी बारिश और बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है। 3 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम होना है, मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगे, कार्यक्रम होगा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण समारोह ये होने वाला है, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर ये समारोह होगा। हालांकि देखिए, वाटरप्रूफ टेंट हो, हर चीज की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर इसी तरह से तेज बारिश आती है, क्योंकि एक तरफ मौसम विभाग के द्वारा कह दिया गया है कि येलो अलर्ट कई जिलों में शामिल हुआ है, येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसमें राजधानी जयपुर भी है, अगर उस दिन बारिश होती है तो क्या कार्यक्रम की बिगड़ती हुई तस्वीरें नजर आएगी। हालांकि अभी तक वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है, जिससे बारिश के कारण भी कार्यक्रम में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी कि अगर तस्वीरें बिगड़ती हुई नजर भी आती है कार्यक्रम की, तो उनको समय रहते संभाल लिया जाए। अब बात करते हैं कि कार्यक्रम में आखिर मौजूदगी किस किस की रहने वाली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मंत्री परिषद सदस्य, विधायक समेत प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 3 अगस्त को बीजेपी मुख्यालय पर वीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। ऐसे में बीजेपी की टीम तैयारियों को चाक चौबंद करने की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। आइए, आपका इंतजार था अगस्त की ओपनिंग धुआंधार बारिश से, आखिर जयपुराइट्स का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सीजन की बारिश हमें कब देखने को मिलेगी। लगातार गर्मी और उमस से परेशान लोगों को ऐसी ही बारिश की इंतजार थी, उम्मीद थी। लगातार छितराई बारिश के कारण मौसम में नहीं घुल रही थी ठंडक और साथ ही तापमान में भी कोई बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज भारी बारिश ने कसर को पूरा कर दिया है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार झमाझम बारिश हुई है। पिछले कई समय से हमने देखा कि बारिश तो हो रही थी, लेकिन अच्छे से बारिश नहीं हो पा रही थी, जिससे तापमान बढ़ रहा था, यानी ह्यूमिडिटी हो रही थी, गर्मी हो रही थी, पसीना आ रहा था, लेकिन जिसका इंतजार था, इंतजार आखिरकार पूरा हुआ है। अगस्त की ओपनिंग धुआंधार बारिश से हुई है और आखिर जयपुराइट्स के चेहरे खिले हुए नजर आए हैं, क्योंकि इंतजार उनका खत्म हुआ और जिस बारिश की उम्मीद की जा रही थी, वही बारिश आखिरकार राजधानी जयपुर में देखने को मिली है। लगातार गर्मी और उमस से लोग परेशान थे और लोगों को इसी तरह की बारिश का इंतजार था कि खुलकर बारिश हो, खुल के मेघ गर्जे, और वही तस्वीर राजधानी जयपुर में देखने को मिली। लगातार छितराई, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, जिससे मौसम में कुछ खास ठंडक नहीं देखने को मिल रही थी और साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जिस तरह से बारिश हुई है और इस एक ही बारिश ने लगता है कि पूरी कसर पूरी कर दी है। बारिश के कारण तापमान में भी कई दर्जे तक गिरावट देखने को मिली है। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे हैं दिल्ली। राज्यपाल का प्रधानमंत्री सहित अन्य विशिष्ट गणमान्यों ने मुलाकात कार्यक्रम हुआ है। दिल्ली रवाना होने से पहले शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए हैं। राज्यपाल ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किया। राज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वीर शहीद हमारे देश के गौरव हैं, जिससे हम सब अलौकिक होते हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से उनके द्वारा हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हरिभाऊ बागड़े आज दिल्ली पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। प्रधानमंत्री सहित कई ऐसे विशिष्ट गणमान्यों से उन्होंने मुलाकात की, उनको शुभकामनाएं दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी। दिल्ली रवाना होने से पहले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए खास तस्वीरें भी उनके देखने को मिले, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। राज्यपाल ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किया और साथ ही राज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वीर शहीद हमारे देश के गौरव है, जिससे हम सब अलौकिक होते हैं। और चलिए अब बात करेंगे लोक देवता बाबा रामदेव का लक्खी मेला 2024 की।
5 सितंबर से विधिवत रूप से मेला प्रारंभ होगा। लोक देवता बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं में गहरी आस्था देखने को मिलती है। बाबा रामदेव जी से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती ही होती है। श्रद्धालुओं द्वारा इस बार भी चढ़ाया जाएगा कांच का घोड़ा। 10 फीट ऊंचा वे 110 किलो वजनी चढ़ाया जाएगा कांच का घोड़ा। और इसी के साथ में जो हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे वो तस्वीर भी अपने आप में काफी ज्यादा खास होगी। लोक देवता बाबा रामदेव का लक्खी मेला 2024 जो कि 5 सितंबर से विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था इस मेले का। और इस बार की बात की जाए तो लोक देवता बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं में गहरी आस्था देखने को मिलती है। बाबा रामदेव से जो भी मन्नत मांगी जाती है, मनोकामना मांगी जाती है, वो जरूर जरूर पूरी होती है। श्रद्धालुओं द्वारा इस बार कांच का घोड़ा चढ़ाया जाएगा और देखिए 10 फीट ऊंचा व 110 किलो वजनी कांच का घोड़ा चढ़ाया जाना है।